नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मैं हिसार के नागौरी गेट के ऊपर मौजूद हूं और आप यहां पर देख पा रहे हैं जो इतनी संख्या के अंदर हिसार की जनता यहां पर इकट्ठी हुई है, ये सारी जनता जो है अपनी आवाज उठा रही है पार्थ के साथ जो हुआ, पार्थ को इंसाफ दिलाने के लिए। आपको एक बार शॉट के अंदर दोबारा से बता देती हूँ कि लगभग जो है आज पांचवा दिन हो चुका है लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। मान आई हॉस्पिटल का ये मामला है जहां पर एक 7 साल के बच्चे की जान चली गई थी, आग का ऑपरेशन कराने के लिए गया था लेकिन एनेस्थीसिया की ज्यादा डोज दे दी गई थी। लेकिन अगर फुटेज की बात की जाए तो फुटेज वहां पर परिवार वालों को दिखाई गई थी और भी लोगों को दिखाई गई थी, CMO को दिखाई गई थी, जिसके अंदर किसी स्टाफ के द्वारा इंजेक्शन वहां पर लगाया जा रहा था। और लगातार आप यहां पर देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार यहां पर नारे लग रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं हिसार के नागौरी गेट की। नागौरी गेट के ऊपर लगातार जो है जनता आक्रोशित हो चुकी है। लगातार जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि बच्चे न्याय देने की यहाँ पर मांग की जा रही है और SP के खिलाफ यहाँ पर नारे लग रहे हैं। आपको दोबारा से एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ कि सभी हिसार की जनता यहाँ पर पहुंच चुकी है। लगभग जो है आज का और कल का दिन धरने के लिए बताया गया था कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आज और कल धरना दिया जाएगा और इसीलिए आज नागौरी गेट के ऊपर आह्वान के बाद यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। परिवार वालों की बात करूँ तो परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद है और अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। अगर नागौरी गेट की बात करूँ तो वहाँ भी जो है पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। मुझे आपको दिखाना भी चाहूंगी एक बार आगे चल करके कि पहले से ही परिवार वालों ने कह दिया था कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो 2 दिन के लिए धरना दिया जाएगा और उसी धरने का असर आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी के सभी जो है हिसार की जनता यहाँ पर पहुंच चुकी है। जैसे ही आप नागौरी गेट से यहाँ आएंगे तो आपको अजंता ऑप्टिकल्स के सामने जो है धरना यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप भी पार्थ को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। आगे चल करके बात करेंगे कि आखिरकार हिसार के सुप्रिंटेंडेंट बलवान सिंह राणा के खिलाफ यहाँ पर नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है परिवार वाले जो है एक्शन की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई भी एक्शन इस केस के अंदर अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कई लोग यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ जो है यहाँ पर पार्षद अमित ग्रोवर भी पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ जो है आगे रहने वाला है। क्या लगता है अभी 1-2 दिन तक ये धरना जो है सुचारू रूप से आपका चलेगा, इसके बाद में कुछ होगा या फिर नहीं होगा, आपकी उम्मीद है क्या? 2 दिन का धरना है, उसके बाद में 29 तारीख का बंद है, बंद भी पूरा हिसार बंद होगा क्योंकि पूरे हिसार की यूनियन यहाँ पहुंची हुई है और खुद आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बंद करना चाहते हैं, बताओ कब धरना है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग करेंगे, 29 तक अगर नहीं हुआ तो आगे की जो कार्रवाई 51 सदस्य कमेटी जो अपना निर्णय लेगी ये हम तब तक जारी रखेंगे जब तक संघर्ष हमें न्याय नहीं मिल जाता। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोली गई कि हमको नहीं लगता मामले के अंदर निष्पक्षता से जांच हो रही है, SP साहब का बदला होना चाहिए यहाँ पर, क्या कहोगे? क्या SP साहब के ऊपर भी आपका विश्वास नहीं रहा? देखिए, जो भी शहर में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है या फिर कोई ऐसा मुद्दा होता है, अन्याय होता है, तो उसके जिम्मेवार कौन होता है? तो शहर के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो है हमारे शहर के विधायक, वो हमारे शहर के मेयर और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। और बर्बरता हुई है, पुलिस ने ही गलत व्यवहार किया, परिवार के साथ अन्याय हुआ, परिवार के साथ ही आप व्यवहार ऐसा करें, वो दोषी हैं। और जो ये बात हुई थे लोग सड़कों पर आए, जो भी चल रहा है वो सब पुलिस प्रशासन की कमी की वजह से, तो जिसकी जिम्मेवारी बनती है उसको हटाने का भी काम किया जाना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। 51 मेंबर की टीम बनी है, क्या उसके अंदर अगर कोई और व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या वो भी जुड़ सकता है? जी, अभी 51 सदस्य बैठे हैं और उसके साथ के अलावा पूरा जो शहर है वो हमारे साथ है, जो भी भाव होंगे जिनके जो लोग कहना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उनका सहयोग। बहुत लोग प्रधान ऐसे भी बैठे हैं जो उनसे जिनका कहना है कि हमको पता नहीं था कि यहाँ पर एक कमेटी बन चुकी है, मैं भी उस कमेटी का मेंबर बनना चाहता हूँ, मुझको भी पता होगा। बिल्कुल, अभी हमारी शाम को मीटिंग है कमेटी की, जब मीटिंग उसमें बात रखा कि हम लोग ऐसा होगा तो करना काम करेंगे। अमित जी, इसी 51 सदस्यीय कमेटी की जो आपने बनाई है इसके अंदर क्या हॉस्पिटल के अंदर हिसार में जितने भी अन्याय होते हैं उसके खिलाफ ये कमेटी जो है आवाज उठाएगी? ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाते, वो बेचारे क्या होता है, अकेले रह जाते हैं और वो डॉक्टर जो भी उनके साथ जो भी व्यवहार करते हैं उसको करने का काम कर देते हैं।
एक एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ, आज भी एक केस है, आप जाएंगे बारह क्वार्टर में जहाँ मोहित का घर है इस बच्चे का, उसके दो गली छोड़ के गली है पुलिस थाने के सामने, वहाँ एक लड़का है वंश ग्रोवर 20 साल का, परसों उसका एक्सीडेंट हुआ था फतेहाबाद के पास में, दो दिन तक उसकी डेड बॉडी फतेहाबाद हॉस्पिटल पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बच्चा परिवार परिवार के लोग सैकड़ों लोग घर के बाहर बैठे हैं। कल मुझे बुलाया गया था वहाँ, मैंने जाके एसपी से बात करवाई है, वहाँ के विधायक का फोन करवाया है, पूर्व विधायक का, तब जाके कार्रवाई अभी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने की या नहीं, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। कई बार हम सुनते हैं कि डेड बॉडी नहीं दी जा रही, पहले पैसा दो, ऐसा भी होता है, तो उसके लिए कौन सा कमेटी हमने गठित की है आगे की इस इंसाफ को मिलने के बाद हम लोग बैठ करके इस तरह की कोई व्यवस्था बनाएंगे कि इन चीजों पे कार्यवाही हो, परिवारों का इसी तरह साथ करने को लेकर और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? धरने अंदर आइए, आप धरना चल रहा है एक बजे तक, अगर आप पार्क को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, आपके भी बच्चे हैं, आप अपनी आत्मा से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने चेहरा बच्चे का चेहरा पार्क के अंदर देखें, यहाँ पर पहुंचे, कल भी 11 से 1 है, कल भी पहुंचे, और 29 का जो बंद है, सभी मार्केट के प्रधानों से मेरा निवेदन है कि मार्केट को बंद रखें ताकि पार्क को इंसाफ मिल सके, आप अपने बच्चे को ध्यान रखते हुए। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या डॉक्टर की कोई जानकारी मिली है कि वो कहाँ पर मौजूद है इस वक्त? डॉक्टर उनके नोटिस में ही था, क्योंकि अगले दिन जब पोस्टमार्टम होना था तो पोस्टमार्टम के लिए जो फाइल है वो चाहिए होती है, उस फाइल के बिना पोस्टमार्टम नहीं होता, तो पुलिस को जब फाइल नहीं मिली, जब दबाव पड़ा कि पुलिस फॉर्म के लिए तो डॉक्टर को लाना पड़ेगा, तो एक घंटे बाद एक स्टाफ का कर्मचारी आता है चाबी लेकर के, वो कहता है जी मुझे पता है कहाँ पर है, वो डॉक्टर के बेडरूम में लेके जाता है और चाबी खोल के वो फाइल निकाल के देता है, मतलब डॉक्टर ने चाबी दी, डॉक्टर के बेडरूम स्टाफ को कैसे मिल सकती चाबी, तो पुलिस को पता है, पुलिस ने उसको फोन करके बुलाया स्टाफ को, तो वो डॉक्टर उनकी जानकारी में थे कहाँ पर है, उन्हें टोटली मतलब मिसगाइड किया गया पब्लिक को परिवार को कि डॉक्टर का पता नहीं वो फरार है, तो डॉक्टर तो उनके सामने ही था जी। अच्छा ये बताइए, सीसीटीवी फुटेज तो दिखाई गई थी ऑपरेशन रूम की, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि किसी स्टाफ मेंबर ने इंजेक्शन लगाया था, तो आपसे जानना चाहूंगी क्या आपने भी वो फुटेज देखी थी, और देखी थी तो उसके अंदर क्या था? देखिए स्टाफ का इंजेक्शन लगा या नहीं लगा वो बात कंफर्म नहीं हो पा रही थी, लेकिन फुटेज देखने के बाद जो पुलिस कप्तान है उन्होंने दावा किया है कि डॉक्टर थे, उसके अलावा डॉक्टर नलवा थे, उन्होंने भी फुटेज देखे, उन्होंने भी दावा किया है, लेकिन हम लोग अभी उसकी जांच में हैं, परिवार भी तसल्ली करना चाहेगा कि वो थे नहीं थे, अगर वो थे चलो मान लिया, लेकिन डोज तो ओवर हुई होगी तभी बच्चे की मौत हुई है, कसूर तो कहीं ना कहीं है ही, तो वो कसूर निकाल करके उनको जब तक गिरफ्तार नहीं होती तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता की बात की जाए तो वो परसों आए थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसी मीडिया वाले को बयान नहीं दिया, और एक न्यूज चैनल के ऊपर उन्होंने कहा है कि मेरे साढ़ू की मृत्यु हो गई थी, मैं वहाँ पर गया हुआ था, क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस बात की? देखिए जिस दिन ये काम हुआ आप लोग ऑनलाइन वहाँ थे, 11 बजे के आसपास ये बच्चे के साथ हुआ और आप लोगों के माध्यम से लोग देख रहे थे, हम लोग भी निगम में बैठे थे और मेरे सामने डॉक्टर कमल गुप्ता, क्योंकि मेरे 14 नंबर वार्ड है तो मेरी है वो बिल्कुल उनके सामने लगती है, तो कमल गुप्ता के बिल्कुल सामने मेरी कुर्सी थी, 1:30 बजे तक वो वहीं पर थे और 11 बजे का ये काम है, हमको पता लग गया हम बैठे बैठे, तो उनको भी पता लगा होगा, और वो शहर से बाहर गए भी मान लो 2-3 बजे, तो वो फोन तो कर सकते थे परिवार को, किसी अपने नुमाइंदे को भेजते, वो उनसे परिवार से बात कराता कि मैं आऊंगा, मैं बात कर रहा हूँ एसपी से, उन्होंने कुछ नहीं किया, अब 3 दिन बाद आकर वो सफाई देने का काम कर रहे हैं, तो ये मतलब सरासर जो है वो अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं कि मैं मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हो, आपको पल पल की खबर होती है, सीआईडीसी के माध्यम से भी, आपके जो कार्यकर्ता उनके माध्यम से, आपका एक वो पन्ना प्रमुख आपने गली गली में अपने वो कार्यकर्ता बनाए हुए हैं, वो जब वोट का टाइम आता तो आप कहते हो हमारे गली गली में हमारे बंदे पहुंचेंगे, क्या गली को नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है हिसार में, वो कार्यकर्ता कहाँ थे? गुप्ता जी के घर के बाहर इतनी सारी प्रोटेक्शन दी जा रही है, इतनी बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्या लगता है कि क्या गुप्ता जी ऊपर ये लोग अटैक करने वाले हैं? देखिए लोग अपना विरोध करना कहाँ पहुँचेंगे, जनप्रतिनिधि के पास ही पहुँचेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से उस दिन भी गए, वहाँ जाकर के हमने विरोध जाहिर किया, हम लोग आ गए, आप लोग रस्म क्रिया में आते हो तो 400 पुलिस वाले साथ लेके आते हो, आज यहाँ पर हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं तो हजारों सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ खड़े कर देते हैं, तो हम शहर के लोग हैं, हमें भी आप कहोगे कि हम हिंसा कहें तो वो गलत है, आप जनता के बीच में आओ, आपका हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपने सफाई दो, आप सपोर्ट करनी चाहिए थी आपको जो आपने नहीं की। अच्छा आगे की रूपरेखा किस तरीके की रहने वाली है, 2 दिन के धरने के बाद आप लोगों क्या करने वाले हैं? देखिए आज और कल का धरना है, आप देख रहे हो सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पे खड़े हैं, आके जा रहे हैं, समर्थन करके जा रहे हैं, पूरा शहर व्यथित है, हम लोग कल का धरना रखेंगे 11 से 1,
उसके बाद में 29 तारीख को हिसार पूरी तरह से बंद करेंगे। हिसार के हर मार्केट बंद होगी, हिसार की सब्जी मंडी भी बंद होगी, हिसार के हलवाई यूनियन भी अपनी दुकानें बंद करेंगे। टोटली हिसार छोटी छोटी मार्केट भी बंद रहेंगी इस बच्चे के इंसाफ के लिए। और इस बच्चे को अगर इंसाफ मिल जाता है तो आगे से कोई भी डॉक्टर है वो 100 बार सोचेगा किसी के साथ बर्बरता करने से। आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा से आप मिले होंगे, बात की होगी, तो उनकी तरफ से क्या कुछ निकल करके आ रहा है? बलवान सिंह राणा जी उस दिन वहाँ मौके पहुंचे थे घटनास्थल पर, उसके बाद वो दोबारा नजर नहीं आए। यहाँ तक उनका जो रवैया, उनका जो पुलिस प्रशासन का सहयोग हमें पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है। सर आपसे जानना चाहूंगी, मनोज राठी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहली बात जानना चाहूंगी कि इस केस के अंदर मीडिया का रोल मानते हैं और मीडिया को जो पुलिस की तरफ से धमकियां दी जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी ईमानदारी की बात है, बहुत बड़ी ईमानदारी की बात है। सारा रोल मीडिया ने बहुत अच्छा करा है और साफ बात ये कि साफ बात ये भी है कि मीडिया का बहुत अच्छा रोल था। मीडिया ने सारी बातें दिखाई है, लाइव दिखाई है मीडिया ने सारी बातें। मैं आपको ये बताऊंगा कि एसपी हिसार का जो है वो भ्रष्ट है, डीएसपी अशोक भ्रष्ट है, आपका विधायक भ्रष्ट है। इन्हीं ये दूसरे पर तो दबाव बनाओगे, आज वो मीडिया पर दबाव बनाना चाहते हैं कि असली चीज न दिखाई जाए। मैं तो कहूंगा कि अगर सीएम साहब हमारी बात सुनता हो और हिसार की बात सुनता हो तो तुरंत एसपी की बदली करी जाए, तुरंत एसपी से बदली करी जाए, अशोक की बदली करी जाए। साफ बात है आज पूरे हिसार की डिमांड है, और इसको बचा रहा कौन है? कमल गुप्ता जी बचा रहे हैं। अगर हिसार की जनता कोई सागी दुश्मन है तो कमल गुप्ता जी हैं, जमा साफ बात है जी। और सबके सब देखो फ्री में तो काम करें कौन, ये पुलिस वाले किसी का काम फ्री को नहीं करें, मोटे रपिये लिए हैं और हो सकता है विधायक भी रपिये लेने में शामिल हो। ठीक है, आप लोगों को दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जो भाषण दिया जा रहा है उसके अंदर लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि हिसार के एसपी को बदला जाना चाहिए, हिसार के एसपी जो है उनको की बदली कर दी जानी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ। मुर्दाबाद के नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं, एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है हिसार की एसपी बलवान सिंह राणा के ट्रांसफर की मांगे क्यों उठ रही है यहाँ पर? प्रधान अंजनी कारिया जी, मित्तल जी, गोयल साहब, पूर्व चेयरमैन, सभी साथी पधारे, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में प्रधान नगोरी गेट से बड़े भाई मंगल डालिया भी रही हैं, दो मिनट वो भी आए और अपने विचार रखें। कोई बात नहीं, मंगल डालिया जी बोल रहे हैं, सबको बुलवाओ, टाइम कम है। मनोज राठी जी, दो मिनट आए, सिर्फ दो मिनट का समय लगा था बस। साथियों से अपील है कुछ जगह खाली हो तो प्लीज बैठ लो, कि और लोग दुनिया आवेगी वो भी खड़े होंगे, कुछ जगह खाली दिखे तो बोले भाई बैठो। काफी चावल पंडाल घंटा रह गया भाई, जो तो कितना बड़ा था कितना ही पंडाल लगता था। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन बता दीजिए, आप लगातार जो है एसपी बलवान सिंह राणा के ट्रांसफर की मांग करें, उनको हटाने की मांग करें, इसके पीछे का उद्देश्य जानना चाहूंगी? इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि डॉक्टर कैसे भागा, 600 पुलिस वाले कम से कम मान हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, वहाँ क्या ऐसी काली दाल हुई है जो डॉक्टर वहाँ से भागा? हमें तो इसीलिए एसपी साहब को यहाँ से बदलवाने की मांग कर रहे हैं। मैं डिप्टी सीएम धुरंधर चौटाला जी से, खट्टर साहब सीएम से, अरविंद साहब से यही डिमांड करूंगा कि एसपी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और नया एसपी यहाँ प्रभावित किया जाए। हम डिमांड करेंगे गंगाराम पुनिया जी को भेजा जाए, जो एक से एक बाल की खाल निकाल कर इसको डॉक्टर को पकड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ अक्षय मलिक, जो कि राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के प्रधान है। लगातार मांगे उठ रही है कि हिसार के एसपी को बदला जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि वो जो है सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। और लगातार मैं आपको ये लाइव कवरेज दिखा रही हूँ, कुछ समय बाद दोबारा से आपके साथ जुड़ूंगी, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। ये थी सीटीवी न्यूज की रिपोर्ट साक्षी सोनी के साथ, हमारे सहयोगी मोहित जाखड़ की रिपोर्ट। नमस्कार।